पेटीएम अब अपनी एक खास सर्विस बदलने जा रहा है, जिससे लाखों लोगों को फायदा होता था, लेकिन अब ये सर्विस बदलने से उन्हीं लाखों लोगों को झटका लग सकता है। पेटीएम का यूं तो लोग लाखों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, रिचार्ज करवाना हो या कोई बिल भुगतान करना हो तो सबसे पहले पेटीएम का ही नाम दिमाग में आता है, और ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने पर्सनल लोन देने की शुरुआत की थी। अब कंपनी ने इसमें बदलाव करने का भी फैसला कर लिया है और कंपनी की तरफ से इसको लेकर बयान भी सामने आया है। देखिए, पेटीएम अब बाय नाउ पे लेटर में काफी बदलाव करेगा। पेटीएम पोस्ट पेड की तरफ से इसकी शुरुआत की गई थी, अब कंपनी छोटे लोन देने से बचेगी, यानी पूरा फोकस बड़े अमाउंट वाले लोन पर किया जाएगा और इस दौरान बड़े अमाउंट के पर्सनल लोन और मर्चेंट लोन दिए जाएंगे। कंपनी ने बताया है कि हमारे पोस्ट पेड प्रोडक्ट में भी लोन भी शामिल था, इस दौरान हम 50,000 रुपए से नीचे के लोन दिया करते थे, अब हम इसकी मात्रा कम करने जा रहे हैं और पूरा फोकस बड़े अमाउंट वाले लोन पर्सनल लोन पर रहेगा। हम यूजर्स को ध्यान में रखते हुए ये फैसला ले रहे हैं और हाल फिलहाल में इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। एक रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 70% पोस्टपेड लोन 50,000 रुपए की कीमत से ही नीचे होते हैं और ये फैसला ऐसे समय में आ रहा है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स और NBFC को असुरक्षित बिजनेस की रफ्तार थोड़ी धीमी करने के लिए कहा। पेटीएम ने इसके लिए हीरो फिनोकॉर्प, आदित्य बिरला कैपिटल, प्राइमल फाइनेंस और क्लिक्स कैपिटल के साथ मिलकर काम कर रहा था। तो ऐसे में अगर आप भी लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बड़े अमाउंट पर ही ज्यादा ध्यान देना होगा, और इससे पहले लोग लोन लेने के बाद बिल का भुगतान करते थे और इसमें ज्यादा अमाउंट का बिजली बिल एक बड़ी वजह बन जाता था, हालांकि अब इसमें बदलाव होने जा रहा है।